आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हो, घर अच्छे पैसे भेज सकते हो, तो आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो नहीं आओ। वो जलील होगे, घर फोन करोगे मैं मर गया, पैसे नहीं है, घर वाले ज्यादा टेंशनों में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज तो आप लोग मुझे एक कोर्ट में देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आज से 2 साल पहले मैं आया था ना जब, तो तब मेरा कोई हाल ना कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो बात यह है कि आज मैं अपने 2 साल का पिछला पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि कैसी मेरी जर्नी रही, ठीक है, कैसी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को मुश्किल फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा यार सूट शूट पहना हुआ, टाई इतनी मम्मी डैडी लगाई है, तो मज़े हैं अहमद भाई के ना, मज़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी मैं आजकल रील्स बना रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट यही कहते हैं आपके तो मज़े हैं, आप तो सही इन्जॉय कर रहे हो। तो यार मुझे लगा कि मुझे मेरा मेरे पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया होगा कि अगर आपको एक टाइम पे आराम मिलता है ना, तो वो आराम लोगों को ना लगता है कि यार इसका हराम हो जाए, ठीक है, नज़र लग जाए इस बंदे को। तो यार सीन ये है कि हर बंदे ने, हर स्टूडेंट ने जब वो यहाँ पे आता है ना, तो एक फेस देखा आता है, ठीक है। वो फेस आपको अपनी कंट्री में, पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के नहीं पता लगता, जब तक आप इस कंट्री में नहीं ना आ जाते तब तक आपको नहीं पता लगता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट तो यूके में आके मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में इन स्टूडेंट्स को बताएं जो कि अभी पाकिस्तान इंडिया से आने वाले हैं कि यार अभी यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या होने वाला है, उनको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही, तो यार लाजमी कमेंट्स में बताओ। और तब तक मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे 2 साल यहाँ पर कैसे गुजरे, मैं यहाँ पर आया क्यों, यहाँ आने का मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो क्या हुआ, तो वह सब कुछ जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब कमेंट्स का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अब जो आए हुए हैं ना, जिनको एक एक दो दो माह हुए, ठीक है, उनके कमेंट्स मुझे पता क्या होगा, यार जॉब नहीं मिल रही, ये हो गया, रुल गए हैं, घर से पैसे मंगवा रहे हैं, नो डाउट ऐसे ही होता है, ठीक है। अब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, आने का प्लान कोई नहीं था, प्लान बना, आ गया, पाउंड्स का पता लगा ना कि पाउंड का रेट क्या है, 1 पाउंड 360 हो गया अब तो, ठीक है, तब तो 250 होता था, घर में मल्टीप्लाई दी के यार कितने लाखों बन रहे हैं, ठीक है, जाके और बनाएंगे, तो ये सोच के इधर आ गया। साथ में था कि भाई इंटरनेशनल आपके पास एक डिग्री बन जाती है, वो डिग्री को लेके आप लोग कहीं भी मूव कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं जी कनाडा मूव करना है, यूएसए जाना है, तो ये बहुत सारे लोगों के प्लान होते हैं, ठीक है, तो वो मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा आना यहाँ पर प्लान था, आया स्टडीज़ के लिए, स्टडीज़ शुरू की, तो पहला 1 मंथ तो मुझे लगा, मैंने ना 2 साल की डिग्री ली, मुझे ना 1000 पाउंड ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि जी 1000 पाउंड ज़्यादा देते हैं, 2 साल की डिग्री हो जाएगी, सुकून से ना मैं पैसे कमाऊँगा। तो सीन ये हुआ, पहला महीना था मेरा, और वो पहले महीने में ना मैंने मत्था पकड़ लिया, मैं कहूँ कि मैं जॉब ढूँढूँ या मेरी यूनिवर्सिटी इतनी दूर है, मैं वो यूनिवर्सिटी लेने जाऊँ, फिर मैं वहाँ से वापस आऊँ, मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, पैसे बन भी नहीं रहे। तो लिटरली उस टाइम तो मैं कह रहा था कि यार मैं वापस चला जाऊँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, 2 साल की डिग्री ले ली, मेरा तो पहला सेमेस्टर निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो होता क्यों है, वो होता इसलिए कि आप हम ना एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आए होते हैं जहाँ पर ना टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नाम ही नहीं है। इंडिया में तो काफ़ी लेटेस्ट हो गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है, आपकी असाइनमेंट्स कॉपीज पे बनाई जो 100-100 पेज की बना के इनको जमा करवा दो, दैट्स इट। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जितनी की असाइनमेंट आपको मिलती है वो आपको पता आता है कि इतने कोर्स में से ही आपको बनानी है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना आप लोगों को सिखाते बहुत हैं, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि बस रट्टा लगाए, जो ये सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर ना प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा आता है जो आपको फील्ड में आगे जाके ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सबसे पहली बात तो ये। पर वो चलो मेरा पहला महीना निकला बहुत मुश्किल था, फिर कुछ चक्कर चलाए, ठीक है, जब आप आओगे आपको समझ आ जाएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर आया, फिर सेकंड सेमेस्टर में जाके उसके एंड में जाके मुझे जॉब मिली, ठीक है, अबाउट आई गेस जस्ट ईट की जॉब थी, और वो मुझे 1.5 माह के बाद की मुझे इंडक्शन मिली थी, ठीक है। स्टूडेंट अभी यही कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, कॉलें आ रही हैं, लेकिन कोई कह रहा हमें फलाना एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लाजमी लेके आओ अपनी कंट्री से, ठीक है, उसकी वीडियोज़ में मैंने डाली हुई हैं आपको कौन कौन से लेने चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस अब लाजमी लेके आओ, ठीक है, अब बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। पहले उस टाइम पर इनको सिर्फ लेबर चाहिए होती थी, अब लेबर नहीं, अब इनको स्किल वर्कर बंदा चाहिए होता है जो यहाँ पर आके सीधा परफॉर्म करे, उसको ट्रेनिंग के रोलों में वो डालेंगे ना, ठीक है। तो काम लाजमी सीखे आओ, जो भी आपको इंटरेस्ट में डालता है ना कि यार ये काम मुझे अच्छा लगता है, वो सीख के आओ, शर्म वाली कोई बात नहीं है, यहाँ करना पड़ता है शर्म से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि अहमद भाई आपकी तो मौज है, आप बैठे हुए कोट पहना हुआ है, तो सीन ये है मेरे घर पे भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि मैंने की हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी जॉब्स जो है ना मैं रिवील करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, अगर मैं सुकून से बैठा हूँ ना तो मैंने उससे पहले बहुत सारी मुश्किलें भी देखी हैं, जो कि स्टूडेंट यहाँ पर आके ना भाग जाते हैं, ठीक है, वो आते हैं आके कहते हैं जी हमसे तो होगा ही नहीं, हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर तो आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो नहीं आओ।
ठीक है, अगर कर सकते हो तो यकीन मानो एक साल के बाद आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी कि आप मुझे थैंक यू करोगे कि अहमद भाई यार शुक्र है कि मैं इधर आ गया। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं वो ये कह रहे हैं यार अकोमोडेशन नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी हमें जॉब नहीं मिल रही, तो नो डाउट भाई इस टाइम ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई है। जॉब तो तभी मिलेगी ना जब आप यहाँ पर आ जाओगे, आपको पता लगेगा कि कैसे करना है क्या करना है, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाती है। लेकिन अकोमोडेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यूनिएको पे जाकर अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। सबसे बड़ी टेंशन स्टूडेंट को यही होती है कि यार हमसे एडवांस पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो यूनिएको जो है भाई वो आपसे बिल्कुल एडवांस चार्ज नहीं करता। इनकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आके अपने पैसे पे कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई किसी तरीके का एडवांस नहीं पे करना, किसी तरह का ग्रंटर पे नहीं करना, बाकी एप्लीकेशन आपसे ग्रंटर भी मांगती हैं, ग्रंटी भी इनको देनी पड़ती है, तो वो एक बहुत लंबा रोला पड़ जाता है। तो अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो यूनिएको पे जाके आप लोग अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोग आ रहे हो तो आप उनको एज अ ग्रुप भी कह सकते हो कि हम आना चाह रहे हैं, तो आपको डिफरेंट पैकेजेस बना के दे सकते हैं जिसके अंदर आप लोग एज अ ग्रुप में भी रह सकते हो। आपको रूम चाहिए, आपको इन स्वीट चाहिए, आपको शेयरिंग में चाहिए, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो, तो आपको पूरी हेल्प कर देंगे। तो लिंक जो है वो मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो। तो अब सीन ये बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है, कुछ गालियाँ भी देते हैं, कुछ प्यार भी बहुत करते हैं, तो मतलब कि ना हर बंदे की अपनी किस्मत है, अपनी हार्ड लक है कि वो कैसे मेहनत करता है। अब मैं अपनी बात कर रहा था तो ऑलमोस्ट मैंने ना शुरू में आके आपको एक कैरी डब्बे का बताया, ठीक है, एक बड़ा कैरी डब्बा, बड़े वाला, उसके अंदर मैंने ना पता नहीं कितने टन लोया था, ठीक है, वो कितने टन लोया मैंने ये बात आई गेस मेरी एक कज़न को बताई है, ठीक है, आप ही वो मेरे घर रिसेंटली आई थी, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इतना कुछ किया, वो भी जॉब अभी फाइंड कर रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं मिलती, टाइम लगता है। तो मुझे याद है वो पूरी जो बस थी ना, बस ही लगा लो, वो आधी बस थी, वो मैंने सारी लोड की थी, ठीक है, तो ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ कि एफर्ट लगती है शुरू में, जब आपको जॉब नहीं मिलती तो बहुत कुछ करना पड़ता है, वो ऑलमोस्ट सारी मैंने ना वो फिल की, काफ़ी घंटे, 4-5 घंटे लोया उठाना आसान काम नहीं है, ठीक है, मैंने तो घर में पानी का गिलास भी नहीं उठाया आता था और यहाँ मैं लोया उठा रहा था, ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो भरी, उसके मुझे मुश्किल से ना 25-30 पाउंड मिले थे, दैट्स इट। तो अब देखोगे पूरा दिन मैंने इतना काम किया और 25-30 पाउंड। फिर उसके बाद एक घर था, ठीक है, उस घर को पूरी रेनोवेशन की ज़रूरत थी, ठीक है, उस घर का पत्ता मैंने उखाड़ दिया, समझ रहे हो, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, वरना आप कहोगे यार इस बंदे ने भी ये जॉब की है, ठीक है, तो चलो मैं अपनी ना इज्जत बचा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, अर्ली डेज में जब तक आप एक एनए की अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर लेते, क्योंकि ये कंट्री ना टाइम टेकिंग कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर जब उनको बंदे चाहिए होते हैं ना तब से शुरू होता है, और समर्स के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले पहले यही सीन होता है कि उससे पहले ना इनको ये अपनी एप्लीकेशन दे ही जाते हैं, ले ही जाते हैं, लेकिन जब समर्स शुरू होते हैं गोरे काम छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो अपने लोग घूमने आते हैं छुट्टियों के अंदर, समर्स इन्जॉय करने आते हैं, तो फिर वो आपको जॉब से ऐसे 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 बुलाते हैं, ठीक है, तो टाइम लगेगा लेकिन जॉब मिल जाता है यार। तो सीन ये है, फिर करते करते जस्टिट की जॉब मिली, फिर मुझे एक शेफ़ एज अ असिस्टेंट शेफ़ की जॉब मिली, फिर उसके बाद मैंने फायर मार्शल की जॉब भी की, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी की जॉब की, वो मुझे सूट कर गई, और सोन मैं वही करता रहा 1.5 साल ऑलमोस्ट मैंने वही की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री ख़त्म हो गई है और मुझे नाज है ऑलमोस्ट इस बात पे कि मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं, वो कहते हैं जी पेपर डाल रहे हैं, पुर्तगाल जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन है। एक तो सबसे पहले वहाँ पे बैरियर है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर आता है, और दूसरा ये कि वहाँ पर भी यही है यार फैक्ट्रियों में काम करना या इस तरह, क्योंकि आपको वो अच्छी जगह पे काम देंगे ही नहीं जब तक आपको इटालियन नहीं आएगी, फ्रेंच नहीं आएगी, जर्मन नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल में सबसे फजूल हरकत है जो लोग ऐसे भाग जाते हैं, ठीक है। तो मुझे जो लगता है, मैंने जितना भी अर्न किया, जितना आपका प्यार अर्न किया, जितने डॉलर पाउंड मैंने यहाँ पे अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे फैसले पे ना किसी तरीके का रिग्रेट नहीं होता कि मुझे नहीं आना चाहिए था। तो मैं भी आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आओ, ज़रूर आओ, आना चाहिए, शुरू में 2-3 मंथ का स्टफ़ लेके आओ, ठीक है, ये मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ। अगर कोई मुझे बाद में कहेगा ना कि अहमद भाई आपके कहने पे आए हो, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं मुझे, तो भाई मैं यही कहता हूँ कि कम से कम 2-3 मंथ के अपने एक्सपेंसेस लेके आओ लाजमी, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रहना है। उसके बाद अपनी फ़ीस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करके आओ, कम से कम 70-80% तो पे करके आओ ना, ठीक है, क्यों, वो मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये दो मेरी आप लोगों को नसीहतें हैं, अगर ये मान लोगे तो कामयाब हो, अगर थोड़े से पैसे लेके आओगे, थोड़ी सी फीस लेके आओगे, पे करके आओगे,
तो फिर यहाँ पर रुल जाओगे, नो डाउट। बहुत जलील हो गए, घर फोन करो कि मैं मर गया, पैसे नहीं है, घर वाले ज़्यादा टेंशनों में रहेंगे। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई इस रोले में पढ़ो ही ना, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो बंदा आए, ठीक है, जो ये सब कुछ कर सकता है ना जो मैंने आपको बताया। फिर लाजमी आओ, हार्डवर्क कर सकते हो, साथ थोड़े से पैसे ला सकते हो, फीस अच्छी पे करके आ सकते हो, फिर मोस्ट वेलकम है, ज़रूर आओ। वरना ये जगह ना जहन्नम के बराबर है, ठीक है। आपके पैसे ख़त्म हुए, अकोमोडेशन वाले ने कहना बैग उठाओ निकलो। तो ऐसा मैं आप किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसे आना चाह रहा है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि इधर आके हमने फलाना कर लेना, टमकाना कर लेना, तो मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर आप पैसे प्लान कर रहे हो, वरना ये कंट्री हेवन है अगर आप लोग यहाँ पर हार्डवर्क के साथ काम करते हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हो, घर अच्छे पैसे भेज सकते हो। और इनकेस अगर कोई आना चाह रहा है ये सारी स्टोरी सुनने के बाद, ठीक है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। अगर वो पाकिस्तान से यार वो इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दे। क्योंकि बात यह है कि यार इतने लोग आ रहे हैं ना, तो मैं रिप्लाई थोड़ा सा लेट दे पा रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। लेकिन अगर कोई भी आना चाह रहा है, उसका बजट है 40-45 लाख के अराउंड, तो वो मुझे मैसेज कर दो। अगर आपका इंटर ख़त्म है, आपका मास्टर्स ख़त्म है, तो मैं भी आपके प्रोसेस में आपकी हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।